हाँ जी बच्चे, अब हम अपने अकाउंट करंट के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा फाइनल टॉपिक है अकाउंट करंट का। इसकी बात करते हैं कि अकाउंट करंट में इसमें अब क्या होगा। तो लास्ट टॉपिक जो है हमारा, अब आप कहोगे तीनों मेथड्स हमने पढ़ लिए, अब क्या बचा है? बस थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसे? आप ऐसे देखो, प्रोडक्ट मेथड जब आप पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट मेथड, तो आप प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करते थे? एक कॉलम आप किसका बनाते थे? पहला कॉलम ड्यू डेट का, फिर उसके बाद किसका? पर्टिकुलर्स, फिर मतलब पहले डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट एंड अमाउंट, और फिर डेज का। जब आप डेज करते थे, डेज, फिर प्रोडक्ट, और फिर आप जब डेज की काउंटिंग करते थे, कैसे करते थे? आपका डेज काउंटिंग का जो रूल है वो ड्यू डेट से लेके आप क्लोजिंग डेट तक निकालते थे, जिसमें आप ड्यू डेट को छोड़ देते थे। ठीक है, आप नंबर ऑफ डेज जो काउंट करते थे वो इस तरीके से करते थे, फ्रॉम ड्यू डेट टू, आपका जो कंसेप्ट रहता था वो ड्यू डेट क्लोजिंग डेट तक रहता था। अब मैं अकाउंट करंट प्रोडक्ट मेथड से जो बता रहा हूँ, मतलब मैं नंबर ऑफ डेज काउंट करने के तरीके बता रहा हूँ। जो नंबर ऑफ डेज काउंट होते थे, जैसे आप काउंट करते थे, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड जिससे अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे। प्रोडक्ट मेथड को ही करने का एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड मेथड। इसमें हम डेज ना रिवर्स काउंट करते हैं, रिवर्स काउंटिंग करते हैं। आंसर दोनों से सेम आता है, ये थोड़ा सा यूनिक है, तो आपकी कैलकुलेशन ही अलग होगी। मैं बोलता हूँ बैकवर्ड भी एग्जाम में आ सकता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो। प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास दो वेरियंट है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, जो हम नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं, अगर मैं बात करूँ, इस मेथड में क्या होता है, जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज आर काउंटेड, जो नंबर ऑफ डेज काउंट होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? काउंटेड फ्रॉम ड्यू डेट, जो ड्यू डेट होती है, और अगर ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस की डेट से लेते हैं, ड्यू डेट या ओपनिंग बैलेंस की डेट से, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक आप नंबर ऑफ डेज काउंट करते हो। और ओपनिंग बैलेंस के लिए आप दोनों दिन लेते हो, ओपनिंग बैलेंस के लिए आप क्या करते हो? आप दोनों दिन लेते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ओपनिंग बैलेंस के लिए आप दोनों दिन लोगे, लेकिन आप बाकी सब के लिए क्या लेते हो? एक ही दिन लेते हो। बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में दिन अलग ढंग से काउंट करते हैं, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड नंबर ऑफ डेज, जो नंबर ऑफ डेज काउंट होते हैं, काउंटेड फ्रॉम ड्यू डेट टू ओपनिंग डेट, पीछे जाते हैं, पीछे के दिन काउंट करते हैं, ड्यू डेट से पीछे जाते हैं ओपनिंग डेट तक के। अभी तक हम ड्यू डेट से आगे जा रहे थे, अब ड्यू डेट को क्या करेंगे? ओपनिंग डेट देंगे। ये हमारा बैकवर्ड मेथड बोलते हैं, मतलब फॉरवर्ड मेथड में तो हम आगे जाते हैं, इन जनरल हम फॉरवर्ड ही अप्लाई करते हैं। बट एग्जाम में आपको अगर मैं बोल दूं कि अगर उसने बैकवर्ड अप्लाई करने के लिए बोला है, तो फिर आप बैकवर्ड ही करना, फिर आप फॉरवर्ड मत करना। ठीक है, बैकवर्ड अगर बोलो तो इसमें ना उल्टा काउंट करते हैं, रिवर्स चलता है, मतलब पीछे के दिन काउंट करते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है जिससे आपको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी दो क्वेश्चन है बच्चे, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उसमें मैंने दोनों तरीके से इसका आंसर दिया, बैकवर्ड से भी बोला और फॉरवर्ड से भी बोला। देखो, फॉरवर्ड से तो कर सकते हैं, मैं फिर भी फॉरवर्ड से एक बार कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। मतलब अकाउंट कौन रेंडर कर रहा है? मिस्टर एक्स रेंडर कर रहा है किसको? मिस्टर वाई को। वो भी कब, कौन सी डेट पे कर रहा है? 31 दिसंबर 2014 को रेंडर कर रहा है। और इंटरेस्ट आपको कितना लेना है? इंटरेस्ट आपको लेना है 18% पर एनम। सबसे पहले 1 जुलाई 2014, फिर 30 जुलाई 2014, 1 अगस्त 2014, फिर 1 सितंबर 2014, और फिर अगेन 1 सितंबर 2014। You are required to prepare account current according to interest on individual transactions under forward and backward method. मतलब आपको क्या करना है? एक तो आपको forward से करना है, और दूसरा आपको किसे करना है? Backward से करना है। तो backward और forward आपको दोनों चलने हैं। ठीक है, आपको backward भी चलना है, और आपको किसे करना है? Forward से। तो आप ऐसे देखो, इसमें days counting बदल जाते हैं। मतलब मैं अगर ऐसे देखूँ तो मैं रिवर्स चलता हूँ, मैं रिवर्स काउंटिंग करता हूँ, मैं कैलकुलेशन सारी बदल देता हूँ, मैं रिवर्स कैलकुलेशन बनाता हूँ। कैसे बनेंगे आप देखो जरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, पहले मैं फॉरवर्ड से करता हूँ, फॉरवर्ड मेथड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरवर्ड मेथड की बात करें, तो इसमें मैं अकाउंट करंट आपको बना के दिखा।
हाँ जी देखो, इसमें क्या है, अकाउंट करंट बना रहा है, पहले मैं फॉरवर्ड से बना रहा हूँ। फॉरवर्ड से तो हम जैसे बनाते थे, बना के दिखाएंगे। पहला कॉलम किसका लेते थे, डेट का, फिर किसका, पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, नाम लिख देता हूँ, वाई इन अकाउंट करंट, वाई इन अकाउंट करंट, वाई किस में अकाउंट करंट है, वो भी किसके साथ, अकाउंट करंट विद एक्स। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉरवर्ड मेथड, जो अभी तक हम कर कर आ रहे हो फॉरवर्ड ही का। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें तो कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, बैकवर्ड अभी आएगा। मैं इसलिए एक को करा रहा हूँ क्योंकि दोनों से आंसर सेम आता है। और ये कब तक बनाना है मुझे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मुझे बनाना है, क्वेश्चन में मेरी डेट जो बन रही है वो बन रही है अप टू 31 दिसंबर 2014, अप टू 31 दिसंबर 2014। और इसमें जो एट द रेट ऑफ 18% पर एनम का इंटरेस्ट मुझे लेना है, ठीक है। और यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, और फिर आपका अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पर चार कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ, पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट, ड्यू डेट, सॉरी ड्यू डेट, अमाउंट, फिर डेज, फिर प्रोडक्ट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और फिर ड्यू डेट, ड्यू डेट, अमाउंट और फिर उसके बाद डेज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, बैलेंस देना है मिस्टर वाई ने, तो इसको लिखेंगे 1/7/2014 टू बैलेंस ब्रॉट आउट, कितना है 600 रुपये। और ये 1 जुलाई को अकाउंट दिसंबर तक है, इसकी ड्यू डेट भी क्या होगी 1 जुलाई 2014। फिर उसके बाद 30 जुलाई को गुड्स बेचे हैं किसने, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, गुड्स बेचे हैं मिस्टर वाई को, तो 30 जुलाई 2014, तो ये आ जाएगा किस नाम से, ये आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ये आ जाएगा 30/7/2014। और ये हमने जो उधार दिया, एक महीने का उधार दिया, तो इसकी डेट जो होगी फिर वो 30 अगस्त होगी, 30 अगस्त एक महीने बाद। और यहाँ कितना आ जाएगा 300 रुपये। फिर उसका गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, तो 1 अगस्त को गुड्स खरीदे 2014, बाय परचेजेज, बाय परचेजेज अकाउंट में कितना आएगा बच्चों, बाय परचेज अकाउंट एक महीने का उधार अलाउड है। तो यहाँ पर मेरी जो ड्यू डेट बनेगी वो 1 सितंबर बनेगी, 1 सितंबर 2014, तो ये आ जाएगा 200 रुपये। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चे, 1 सितंबर को फिर क्या है, कैश मिला 1/9/2014, मेरे पास बाय कैश करके अमाउंट आ रहा, कितना पैसा आ रहा बच्चे, बाय कैश करके 100 रुपये, इसकी ड्यू डेट भी 1 सितंबर 2014। फिर तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चे, वाई ने एक्सेप्ट किया 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया, तो 1 सितंबर 2014 से बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे लिए तो वो बी आर ही होगा, तो वाई बी आर अकाउंट, उसकी ड्यू डेट क्या है 3 महीने बाद है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1 दिसंबर, तो ये हो जाएगी 3 दिन जोड़ के 4 दिसंबर 2014। और इसमें आ जाएगा कितना अमाउंट, 400। अब आप बैलेंस निकालो, देखो बैलेंस कितना है, अब आप बैलेंस निकालो, देखो बैलेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर मैं ये 600 है, ध्यान रखा ये 2014 है, ये 600 + 300 900 में से अगर इधर माइनस करूँ 700, तो 200 का बैलेंस बचता है, बट मुझे इंटरेस्ट भी तो निकालना है, तो इसमें डेज काउंट करते हैं। पहले डेज काउंट करो ओपनिंग बैलेंस के लिए जुलाई से, देखो जुलाई से कितने दिन बनेंगे जरा काउंट करके बताओ मुझे, देखो जुलाई से काउंट करो जरा कितने दिन बन रहे हैं आपके, तो पहले वाले में दिन कितने बन रहे हैं, फर्स्ट वाले में बन रहे हैं, अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करो तो जुलाई के कितने बनेंगे, जुलाई के बनेंगे 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 प्लस नवंबर के 30 और दिसंबर के 31, 184 दिन बन रहे, पहले तो 184 दिन बन रहे, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन जो मेरी हो रही है उसमें कितने दिन बनेंगे, दूसरा है 30 अगस्त से, तो अगस्त का 1 दिन, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और फिर 31, टोटल दिन बन गए 123, ठीक है।
और यहाँ पर कितने दिन बनेंगे बच्चे? यहाँ पर जो मेरे दिन बचेंगे यहाँ पर 1 सितंबर में, तो सितंबर के 29 प्लस सितंबर के 29 के बाद बचे कितने? अक्टूबर के 31 प्लस नवंबर के 30 प्लस दिसंबर, तो ये मेरे दिन बने 121 दिन बने, ठीक है। और यहाँ भी 121 दिन हो गए, या 4 दिसंबर है तो यहाँ पर मेरे पास 27 दिन बने, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखो कितना आ रहा है, यार मेरा 600 इंटू 184 तो कितना आ गया 1,10,400, फिर यहाँ पर 300 इंटू 123 तो ये आ गया 3,690। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 200 इंटू 121 यार 24,200, ठीक है, और 24,200 आ जाएगा। फिर इसके बाद 100 इंटू 121 12,100, फिर उसके बाद 400 इंटू 27 आ गया मेरा 10,800। ये तो बच्चे मेरा फॉरवर्ड मेथड है, ध्यान रखना ये फॉरवर्ड से ही कर रहे हैं। अब हम बैक, अभी पहले फॉरवर्ड से करते हैं, फॉरवर्ड की बात करते हैं। कितना आ रहा है टोटल, इधर का टोटल है 1,10,400 प्लस कितना 3,690, माइनस कर दो इसमें से कितना 24,200, माइनस कर दो 12,100 और माइनस कर दो 10,800, तो फाइनली मेरे पास बचा 1,200,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है प्रोडक्ट का। तो 31/12/2014 या कोई रेडिंग नहीं है, या मेरे को आपको फॉरवर्ड सिर्फ वैसे ही मैंने वैसे ही कराया बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 1,200,000, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका इधर, अब आप इंटरेस्ट लोगे 31/12/2014 को, क्या लिखोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना आएगा बच्चे, जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपका फाइनल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 1,200,000 पे बनेगा प्रोडक्ट पे, 1,200,000 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है 18% इंटू 1,200,000 इंटू 18% डिवाइड बाय 1,200,000 इंटू 18% डिवाइड बाय 365, ये जो टोटल इंटरेस्ट आया है 49.4 बना गया, तो 49 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके 18% इंटू 1/365 और अब बैलेंस निकाल दो, ये हो गया 949 में से मैं माइनस कर दूँ कितना, तो 31/12/2014 को मेरा बैलेंस बचेगा कितना, बैलेंस सीट मिल गई, क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा मेरा वो कितना बचेगा बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा मेरा इसमें से 700 माइनस कर दो तो 249 का बैलेंस ये मेरा, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई खास आपको नई चीज़ नहीं बनाई, अब जो कराने लगा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि बैकवर्ड मेरा बैकवर्ड मेथड कैसे करता है, इसी क्वेश्चन को मैं बैकवर्ड से भी कर सकता हूँ, बट बैकवर्ड में आपको ध्यान रखना आपको उल्टे दिन काउंट करने होते हैं रिवर्स, तो रिवर्स कैसे करते हैं वो सुनना, वो बैकवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग बैकवर्ड में, अगर इसी क्वेश्चन को मैं किससे करूं मैं बैकवर्ड से, तो बैकवर्ड से काउंट करें कैसे बनेंगे समझ, बैकवर्ड को ना एक और नाम बोलते हैं इसको इपॉक मेथड बोलते हैं, नाम थोड़ा अलग ही है, यूनिक सा नाम है इपॉक मेथड, इपॉक मेथड EPOQUE इपॉक, इपॉक मेथड बोलते हैं, उल्टा उल्टा चलता है, देखो। तो यहाँ पर हम सेम वही लिखेंगे y इन अकाउंट करंट, अकाउंट करंट विद x, ठीक है, y इन अकाउंट करंट विद x, और सेम वही अप टू कब तक है, अप टू 31st दिसंबर, कौन सी डेट है दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, और एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो इसमें जो मेरी पहली ट्रांजेक्शन जो कॉलम बनता है सेम कॉलम वही है, कॉलम में कोई चेंज नहीं है, जितने कॉलम आप पहले बनाते थे वही सेम कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पर पहला कॉलम किसका, डेट का, पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद अमाउंट, फिर उसके बाद डेज, आपके नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करेंगे और फिर क्या निकालेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेट, अगेन पर्टिकुलर्स, ओके,
ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका अमाउंट, फिर डेज और फिर प्रोडक्ट। इस तरीके से चलते हैं। कोई चेंज बच्चे आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, अभी चेंज दिखेगा। सबसे पहले तो मैं वो ट्रांजेक्शन लिख लेता हूँ, पिछले क्वेश्चन में देख, पिछले वाले आंसर को देख, तो यहाँ पर मैं पहले ट्रांजेक्शन लिख लेता हूँ एज इट इज। जो ट्रांजेक्शन मुझे लिख लेको पेज को ले लेता हूँ, इसमें देखो बैकवर्ड में भी ट्रांजेक्शन वैसी लिखी जाती है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अगर आप बैकवर्ड में देखो, चलो मैं बुक से ही कर लूँगा, बैकवर्ड से देखो, बैकवर्ड से क्या होगा, पहली ट्रांजेक्शन आपकी क्या बन रही है। अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो तो आपकी फर्स्ट बन रही है, वो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप बैलेंस जो हो रहा है ओइंग बाय वाई, तो मैं यहीं से लिख देता हूँ बैकवर्ड। इपॉक मेथड, इपॉक मेथड मतलब आपको उल्टा सुनना, पहले ट्रांजेक्शन तो लिख लो, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी ड्यू डेट क्या होगी 1/2014, और ये कितना है 600 रुपये। फिर उसके बाद 30 जुलाई को 2014 को आपने टू सेल्स करके देखा, इसकी ड्यू डेट है 30 अगस्त एक महीने बाद 2014, अमाउंट कितना बच्चा 300। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, इधर वाली डेट पर आ जाओ, इधर है 1 अगस्त 2014, 1 अगस्त 2014 को क्या होगा, आपने गुड्स खरीदे थे बाय परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट करके आ रहा है बच्चों, देखो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में क्या आएगा आपके पास, आपने 200 का माल खरीदा है और इसकी ड्यू डेट एक महीने बाद है 1 सितंबर 2014। फिर उसके बाद आपके पास कैश आया है 1 सितंबर 2014 को, आप क्या लिखोगे, बाय कैश करके ये जो पेमेंट आ रही है इसको लिखोगे। फिर उसके बाद पेमेंट कितनी आ रही है, 100 रुपये आ रही है आपके पास, 100 रुपये, और इसकी भी ड्यू डेट क्या बनेगी, ये 200 है, और इसकी भी डेट सितंबर 1 ही है। और फिर उसके बाद आपके पास 1 सितंबर को बिल ड्राफ्ट एक्सेप्ट हुआ है 1 सितंबर 2014, तो बाय बी आर अकाउंट करके इसकी ड्यू डेट क्या बन रही थी आपकी, इसकी ड्यू डेट बन रही है जो वो बन रही है 4 दिसंबर 4, 3 महीने बाद, ठीक है ना, 4 दिसंबर आपकी ड्यू डेट बन रही थी। कितनी आ रही थी, इसका अमाउंट कितना आ रहा है, देखो इसका अमाउंट है हमारे पास 400 रुपये। अब जो बैलेंस बना रहे थे हम, अगर आप ध्यान से देखो जो बैलेंस बना रहे थे हम, बैलेंस कितना आ रहा था 900 में से अगर मैं माइनस करूँ 700, तो बैलेंस कितना 900 में से 700 का, तो बैलेंस कितना होता 200, बट इंटरेस्ट भी तो निकाल लें। अभी तक मैं डेज कैसे काउंट कर रहा था, अभी तक मैं जो डेज काउंट कर रहा था मैं देख रहा था कि आज जो दिसंबर में सेटलमेंट हो रही है, मतलब 31/12/2014 को जो सेटलमेंट हो रही है, इस सेटलमेंट डेट से यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब ड्यू डेट से। अब हम उल्टा चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट करेंट की एक ओपनिंग डेट होती है, तो ये मेरे अकाउंट करेंट की ओपनिंग डेट है। अब ओपनिंग बैलेंस ना दिया हो तो ये भी तो पॉसिबल है, तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है वही आपका ओपनिंग डेट, मतलब जो आप पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो इधर ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पहली ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड करोगे वो आपकी ओपनिंग डेट मानी जाएगी। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस ही आपकी क्या होगी, आपकी ओपनिंग डेट से लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको ओपनिंग डेट नहीं दी तो फिर आप क्या लोगे, जो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपने अकाउंट करंट में की होगी, जैसे मैं एक क्वेश्चन किया था मैंने शुरुआत में, जो गुड सोल्ड 16 सितंबर था मेरा, जो नाथ ब्रदर्स वाला क्वेश्चन किया था, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था नाथ ब्रदर्स वाला गुड सोल्ड टू शाम, इसमें स्टार्टिंग 16 से थी, तो यही मेरी ओपनिंग डेट होगी, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें काउंटिंग उल्टी करते हैं, उल्टी काउंटिंग कैसे करते हैं, रिवर्स, एक से पीछे चलते हैं, मतलब सब सब में पीछे वाले डे काउंट करेंगे, जो ड्यू डेट से ओपनिंग डेट, मतलब पीछे के दिन काउंट करेंगे, तो 1 जुलाई से फिर 1 जुलाई पीछे जाए तो वो तो एक भी दिन पीछे नहीं जाएगा, ये तो 0 दिन हो गया। अब यहाँ पर मुझे काउंट करना है किससे, ये वाली इस ड्यू डेट से काउंट करो, ये बने इस ड्यू डेट से पीछे जाओ, आप नंबर ऑफ डेज काउंट करो 30 अगस्त से 1 जुलाई, ठीक है। बट यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज काउंटिंग का तरीका होता है, मैं दोनों दिनों को लेना है, क्यों लेना है मैं अभी बता दूंगा आपको, जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो दोनों दिन को इंक्लूड करना है, तो पीछे दिन अगस्त के 30 और जुलाई के 31, तो टोटल दिन मेरे कितने होंगे 60। अब मैं पीछे वाले दिन काउंट करूंगा, मैं रिवर्स काउंटिंग करूंगा, ध्यान रखना जो मेरे डेज काउंटिंग का कंसेप्ट चलेगा वो कौन सा चलेगा, वो रिवर्स वाला चलेगा, अपोजिट डे काउंट करूंगा, पीछे जाके काउंट करूंगा। यहाँ पर आ जाओ 1 सितंबर से आप डे काउंट करो, कौन से वाले,
एक सितंबर से आप मेरे डे काउंट करो पीछे वाले, पीछे के डे काउंट करके बताओ। तो एक सितंबर से मैं पीछे के डे काउंट करूँ तो एक तो सितंबर वाला हो गया, अगस्त के 31 और जुलाई के 31, तो टोटल दिन हो गए मेरे 63। यहाँ भी मेरे टोटल दिन कितने होंगे 63, तो ये मेरे टोटल डे कितने बनते जा रहे हैं 63। अब 4 दिसंबर से मैं फिर काउंटिंग करूँगा, तो 4 दिसंबर से मैं क्या करूँगा, मैं काउंटिंग करूँगा पीछे। तो मेरे पास मेरा कैलकुलेटर का, देखो मेरा कैलकुलेटर का है ये, तो मेरे 4 दिसंबर से दिसंबर के 4 प्लस पीछे जाता जाऊँगा, पीछे का बचे दिसंबर, नवंबर के 30, अक्टूबर के 31, सितंबर के 30, जुलाई के 31 और जुलाई के 31 हो गया, 4 दिसंबर वाले और 30 नवंबर वाले, 31 अक्टूबर वाले और 31 अक्टूबर वाले दिन ले लिए, प्लस पीछे काउंट करूँ और प्लस कौन से दिन आएंगे, प्लस 30 सितंबर वाले और ठीक है, 4 दिसंबर वाले, दिसंबर वाले 4 दिन और नवंबर वाले 30 दिन, नवंबर वाले 30 और अक्टूबर वाले 31, सितंबर वाले 30 और उसके पीछे अगस्त वाले 31 और जुलाई वाले 31, तो टोटल दिन कितने बनेंगे 157। तो टोटल मेरे पीछे के दिन काउंट करने से मेरे टोटल बनेंगे 157। ठीक है, तो आप जब डेज काउंट करोगे देखो आपका आंसर सेम आएगा, आप बेसिक चीज देखना आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर आपको 600 × 0 600, फिर आएगा आपका 61 61 × 300, ये कितना आएगा बच्चे 18 300। फिर इधर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा 200 × 63, ये कितना आ रहा है बच्चे 12 600 आ रहा, और ये कितना आ जाएगा 6300, और इसमें कितना आएगा 157 × 400, तो ये आ जाएगा 62 800। ठीक है, तो ये जो डेज काउंट करने आपको ऐसे काउंट करो, डेज काउंटिंग ठीक है, डेज उल्टे करो। बट यहाँ पर एक चीज और आती है, ये नया आ रहा है, ये आपको एडिशनल कैलकुलेशन 31/12/2014 को जो है वो आपको क्या निकालना है, बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस निकालना होता है, ये अलग से निकालना होता है इस मेथड में, बाकी में निकालते थे हम बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालते थे, अब मुझे क्या निकालना है बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। तो पहले मुझे देखना मेरा बैलेंस बच कितना रहा है, अगर आप ध्यान से देखो मेरा बैलेंस आ कितना रहा है 900 में से 700 में 200 बच रहा है, अब मुझे इस 200 का प्रोडक्ट निकालना है और इसकी ड्यू डेट भी क्या लेनी है, इसकी ड्यू डेट भी मुझे 31/12/2014 लेनी है बैलेंस की, ये मेरा लास्ट बैलेंस है 200 का, इसे मुझे अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना, ध्यान रखना मुझे अमाउंट कॉलम में लिखना, सिर्फ प्रोडक्ट में लिखना होता है। मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा कैसे, आपको काउंटिंग करनी है कितने दिनों की, 31 दिसंबर से आपकी ओपनिंग डेट की, ये आपको एक एक्स्ट्रा करना होता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं बाय प्रोडक्ट, आप क्या निकालते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, ध्यान रखना बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट नहीं, पहले यहाँ देखो आपको बैलेंस कितना आ रहा है 31 दिसंबर को, आपका बैलेंस कितना है 31 दिसंबर का, जो आपका बैलेंस है वो 200 रुपये का आपका बैलेंस आ रहा है, तो 200 रुपये के बैलेंस से आप क्या करो आप प्रोडक्ट निकाल दो। वो कैसे करोगे आप, तो ये आ जाएगा 200, पहले नंबर ऑफ डेज काउंट करो, पीछे चलो दिसंबर के 31 और नवंबर के 30 ठीक है, 31 अक्टूबर के और फिर उसके बाद सितंबर के 30, जुलाई के 31 और फिर उसके बाद 31 आपके बनेंगे किसके, 31 ही आपके जुलाई के बनेंगे, तो टोटल 184 डेज बनेंगे, 184 डेज पे रिवर्स कैलकुलेशन करूँगा जब 200 रुपये का, 200 के बैलेंस का, तो ये मेरा आ जाएगा 184 × 200, तो ये मुझे 3600 लिखना है, तो ये ध्यान रखना बाय बैलेंस प्रोडक्ट कैसे निकालना है 200 × यहाँ पर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा × 200 × 184 लिख देना ठीक है, जैसे मर्जी लिखना, बस अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना, ये हम बैलेंस पहले चेक करेंगे कितना है और उसका प्रोडक्ट दोबारा से निकालेंगे उल्टा। अब मैं उसके बाद अब बैलेंस निकालता हूँ किसका, प्रोडक्ट का बैलेंस निकालता हूँ, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है प्रोडक्ट का, यहाँ का टोटल आ रहा है 18 900 आ रहा है और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 12 600 प्लस 6300 प्लस 62 800 और प्लस 3600,
ठीक है, टोटल तो आ गया मेरा 1,18,500, 1,18,500 और बैलेंस आ जाएगा इधर, ठीक है, और यह आ जाएगा 31/12/2014 को क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कितना आ जाएगा इसमें से माइनस कर दूंगा 18,900, तो ये आ गया मेरा 99,600 आ गया, बैलेंस आ गया टोटल आ रहा है 1,18,500 माइनस इसमें से कर दो, ये डेज काम करूँ ये कितने बन गए 30 अगस्त से जाऊँ तो ये जो मेरे दिन बनेंगे 61, 18, अच्छा ये सॉरी मेरे कैलकुलेशन ये मैंने कर दी क्योंकि बैलेंस दोनों में सेम ही आना चाहिए, हाँ ये जीरो आएगा ना 600 इंटू 0, हाँ ये मैं गलत लिख रहा था, 600 इंटू 0 मैंने 600 लिख दिया तो 600 ही आएगा क्योंकि बैलेंस तो सेम आना चाहिए ना प्लस 600, क्योंकि जो सेम उधर आ रहा था वो इधर ही आ गया, एक पिछले वाले में भी 1,02,000 ही आ रहा था, 1,02,000 ही आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, बेसिक चीज समझना, जब आप ये वाला मेथड करते हैं तो आपकी सारी कैलकुलेशन कैसे जाती है रिवर्स, मतलब उल्टी काउंटिंग करते हैं, बस ये अभी तक हम नहीं करते थे, ये आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको अलग से काउंट करना पड़ता है, तो टॉप में क्या होता है हमारी सारी कैलकुलेशन उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, मतलब जो नंबर ऑफ डेज, अब मैं नंबर ऑफ डेज जो काउंट करता था पहले यहाँ से ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट तक जाता था, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ जो डेज की कैलकुलेशन करता हूँ रिवर्स करता हूँ, ओपनिंग डेट पे और दोनों दिन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी दोनों दिन क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया मैं बताऊंगा आपको काउंट कैसे करते हैं, वैसे अभी आप मान के चलो कि ये दोनों दिन लिए मैंने। अब मैं अगर अपना बैलेंस निकालूं, यहाँ एक चीज और उल्टी है, यहाँ दो चीजें उल्टी दिखेंगी आपको, एक दिन उल्टे काउंट करते हैं, और अभी तक हम क्या कर रहे थे जब इंटरेस्ट लिख रहे थे, अगर यहाँ पर बैलेंस आ रहा था प्रोडक्ट का तो इंटरेस्ट मतलब वो डेबिट का बैलेंस होता था, मतलब हमें इंटरेस्ट लेना है, और अगर यहाँ बैलेंस आ रहा था तो हम इंटरेस्ट दे रहे थे, अब उल्टा है, इसमें उल्टा है, यहाँ पर डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो इंटरेस्ट लेना है और अगर क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो इंटरेस्ट देना है, तो दोनों चीजें उल्टी होगी, एक आपका लॉजिक जो डेज काउंटिंग का था वो भी बदल गया, दूसरा मतलब तीन नई चीजें अगर मैं बनाऊँ ओवरऑल इसमें आती है, एक तो डेज उल्टे काउंट कर रिवर्स जाके काउंट करेंगे, दूसरा आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करेंगे ये नहीं करते थे अभी तक, और तीसरा जब आप बैलेंस निकालते थे तो बैलेंस की अपोजिट साइड में इंटरेस्ट आता था, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मतलब जिस साइड बैलेंस आता है उसी साइड में इंटरेस्ट को कोट करता हूँ, 31 दिसंबर 2014 को मैं क्या लिखूंगा टू इंटरेस्ट अकाउंट और यह आ जाएगा मेरा कितना 1,02,000 का, वही से कितना परसेंट था 18% और वो भी कितने दिन के लिए 1/365 और यह आ जाएगा वही सेम into 18% और डिवाइड में 365, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 49 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा, बैलेंस वही आएगा, तो 31 मार्च को मैं बैलेंस ईडी निकालूँ तो मेरा बैलेंस ईडी कितना बनेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो सेम वही आएगा 949 और इसमें 700 माइनस करूँ तो कितना आ गया 249 और यह आ जाएगा 949, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन, मैं अभी थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूँ, इपॉक मतलब उल्टा, आपकी जो सेटलमेंट डेट होती थी अभी तक जो सेटलमेंट डेट बनाते थे वो हम इसको बनाते थे, अब सेटलमेंट डेट यहाँ शिफ्ट हो जाती है कि ये अमाउंट यहाँ सेटल हो रहे हैं तो सेटलमेंट डेट उल्टी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें जो बदल रही है वो बेसिक है, सेटलमेंट डेट यहाँ पर आ जाती है तो नंबर ऑफ डेज उल्टे काउंट होते हैं, मतलब तो अब तीन चीजें बेसिक बिल्कुल नए तरीके से हो रही है, एक तो डेज उल्टे काउंट हो रहे हैं, ये मैंने गलती कर दी थी, 600 आएगा पूरा, सॉरी 0 आएगा, मैंने 600 लिख दिया था, एक तो डेज उल्टे काउंट करते हैं पहला, दूसरा जब हम ये नया निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस निकालते हैं, जब तक हमने प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस नहीं निकाला था जो भी लास्ट में बैलेंस बच रहा होगा उसको यहाँ से लेके जो भी डेज बनेंगे आप उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और फाइनली आप ध्यान रखना आपको इंटरेस्ट अभी क्या करते थे अपोजिट साइड में लिखा जाता था, जिस साइड में बैलेंस होता था इंटरेस्ट उसके अपोजिट लिखते थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब जिस साइड में बैलेंस आएगा इंटरेस्ट उसी तरह, ठीक है। अब मैं आपको ना नंबर ऑफ डेज के काउंटिंग के रूल से एक बार फिर बता देता हूँ जो कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करते हो, रूल्स फॉर काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज, कि आप मिक्स ना करें चीजों को, क्योंकि आपने फॉरवर्ड में डेज अभी तक आप जैसे काउंट कर रहे थे अभी आपका सारा कंसेप्ट ही गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैं आपको पहली चीजें क्लियर कर देता हूँ।
तो पहला तो है आपका जो अभी तक हम फॉरवर्ड कर रहे थे, फॉरवर्ड मेथड में। फॉरवर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें फोर ओपनिंग बैलेंस, फोर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते थे, फोर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इंक्लूड बोथ डेज, इंक्लूड बोथ डेज, दोनों दिन को लेते हैं, बोथ डेज मतलब ड्यू डेट एंड क्लोजिंग डेट दोनों तरफ, दोनों को लेते हैं, मतलब कोई दिन इग्नोर नहीं करते, ठीक है। और सेकेंड है फोर अदर ट्रांजेक्शन, फोर अदर ट्रांजेक्शन, अदर जो बाकी ट्रांजेक्शन होती थी, फोर अदर ट्रांजेक्शन जो बाकी ट्रांजेक्शन से हम बात करते थे, फोर अदर ट्रांजेक्शन इंक्लूड या एक्सक्लूड करते, एक्सक्लूड आपका ड्यू डेट, ड्यू डेट को एक्सक्लूड करते थे, मतलब वो पहला दिन छोड़ के डे काउंट करते जैसे पहले करते। ये हमारा अभी तक का रूल था, ओपनिंग के लिए दोनों दिन ले रहे थे और अदर ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या कर रहे थे, फॉर अदर ट्रांजेक्शन हम क्या करते थे, एक्सक्लूड ड्यू डेट। लेकिन जब हम बैकवर्ड करते हैं बच्चे, बैकवर्ड मेथड जब हम करते हैं, बैकवर्ड में हमारे रूल्स अलग होते हैं, इसलिए बैकवर्ड थोड़ा सा इसलिए मैं लास्ट में ही करा रहा हूँ आपको, कि बैकवर्ड का कंप्यूटेशन का तरीका ही अलग होता है। इसमें पहला होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि इसके लिए अलग होते इसके लिए अलग होते, इसमें बस एक चीज देखते हैं, इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ इज गिवन, देन इंक्लूड बोथ डेट, बोथ डेट, डेट कौन सी, ओपनिंग एंड ड्यू डेट, ओपनिंग एंड ड्यू डेट दोनों दिनों को लेते, अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हो, ठीक है, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, दोनों दिन लेते हो, मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए नहीं, अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आपको दोनों दिन लेना, सभी के लिए, सभी के लिए, वहां तो सिर्फ एक ही के लेते हैं या सभी के लिए। और दूसरा है इफ ओपनिंग बैलेंस, इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, देन एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करें, छोड़ दें ड्यू डेट, मतलब आप एक दिन छोड़ दें, मतलब पहला दिन कोई भी छोड़, मतलब पहले दिन को छोड़ के आगे दिनों से काउंट करना शुरू करें। तो बैकवर्ड में तो देखते हैं ओपनिंग बैलेंस दिया है या नहीं दिया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया तो सभी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का इम्पैक्ट सभी पे नहीं पड़ता, सिर्फ ओपनिंग है तो ओपनिंग के लिए दोनों दिन, बाकियों के लिए हमारा रूल चेंज नहीं होता, मतलब बाकियों के रूल वही रहता है। मतलब अगर मेरे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया फॉरवर्ड में, तो मैं तो क्या करूंगा, एक दिन छोड़ के काउंट करूंगा, और ओपनिंग क्या तो दोनों लूंगा, ओपनिंग के लिए, सबके लिए नहीं। यहाँ तो बेसिक रूल क्या है, ओपनिंग दिया है या नहीं दिया, इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन देन इंक्लूड बोथ डेट, दोनों दिन लो सभी के लिए, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन देन एक्सक्लूड ड्यू डेट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन के लिए आप एक दिन छोड़ दें, मतलब एक दिन छोड़े, क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी जब हम नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं ना, उसके लिए भी छोड़ दें, ठीक है जी। कोई डाउट इसमें, ये चैप्टर आपका ओवर है, जिसमें हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड भी हमने कर लिया, बस बैकवर्ड थोड़ा ध्यान रखना, बैकवर्ड थोड़ा सा अलग है, रीजन बिंग बैकवर्ड आपने किया नहीं, बैकवर्ड के क्वेश्चन काफी कम किए थे, ये बैकवर्ड वाले कैलकुलेशन है जिसमें हम बैकवर्ड से नंबर ऑफ डेज काउंट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे आंसर्स क्या आते हैं, सेम ही आते हैं, बस हमें अपोजिट कैलकुलेशन करनी होती है नंबर ऑफ डेज, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर ओवर हो रहा है, ठीक है जी, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चलो ये चैप्टर ओवर है।